अन्य रामायणों में कथा थी, भगवान ने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो भाई, अरे निज आयुध भुज, भगवान की भुजाओं में आयुध फड़कने लगे। अब जाकर रावण को संतोष के चले आऊं। मां ने कहा नहीं, कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय लीला, प्रभु शिशु लीला से प्रारंभ करिए। रावण मरण मनुज कर चाचा, वानर मनुज जात दुई बारे, रावण ने मनुज कर मृत्यु मांगी है। अस्तु की जय शिशु। एक तो बात है, कितना सीधा सरल काम है। भगवान चरित्र बहुत विधि, तो भगवान चारु चरित्र नाना विधि कर रही, भगवान वो चरित्र कर रहे हैं। हम लोगों को तो केवल सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। जन की स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। भगवान की कथा भगवान के लिए नहीं गाना, अपने सौभाग्य बढ़ाने के लिए गाना। भगवान को भोग भगवान के लिए नहीं लगाना, अपने धन के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए लगाना है। भगवान को क्या आवश्यकता है जी, कल तो लगे था 108 थाल, कल 108 थाल लाला बार बार पा रहे थे, बार बार गिरा रहे थे, निचवा माला पा रहे थे, क्या आनंद हो रहा था। मैं तो यही देख के गदगद था, अगवा वाला गिरा दे, निचवा वाला पा दे, ओ पा गए, फिर हटाए, फिर पा गए, वाह क्या बात। हमारे श्री पुजारी जी महाराज बार बार उसको ठीक कर रहे थे, तो हमने कहा कि सरकार बगल करिए, वो नीचे वाला पाना चाहते, तो बगल की फिर निचवा वाला पाने लगे। ये तो लीला, आप महसूस करो, दर्शन करो, आनंद भरो, और यह मान मन में रखो, भगवान ने हमको यह सौभाग्य प्रदान किया, ये हमारा सौभाग्य श्रेष्ठतम है, हम इस योग्य है, हम इस योग्य बन पाए, भगवान ने सौभाग्य प्रदान किया। अपने अभिमान से नहीं, अपने हृदय से यह धारणा दृढ़ करिए। ये जामवंत बाबा समझाए, ऐसा हो गया, चिंता मुक्त होइए। इनकी चर्चा संपाति सुन रहे थे, धन्यवाद दिए ब्रह्मा जी को, वाह बारे ब्रह्मा जी धन्य, आपने एक ही बार, बहुत दिन से भूखे थे, एक ही बार व्यवस्था बना दी। ब्रह्मा जी सबकी चिंता करते बन गई। जटायु जी महाराज की प्रशंसा युवराज अंगद जी महाराज ने की, संपाति जी ने निर्भय करके बुलाए, आए वो जो कथा आपको सुनाया, उन्होंने सुनाया, कहे मुझे समुद्र तट ले चलो, मैं अपने भैया को तिलांजलि दूं। देखो गिद्धराज के भैया, लेकिन मृतक कर्म जैसे कान में बात आई, तुरंत रचना बनानी है, मृतक कर्म को विधिवत करने का अभ्यास बनाए। कोई भी हो, श्रद्धा पूर्वक धर्म धारण करने के लिए, बांचने के लिए नहीं, रहने के लिए। जो रहता है उसकी ओर शीलता, सुख संपत्ति, वृद्धि सिद्धि बनकर स्वतः उपस्थित होती है। अभ्यास करें। संपाति जी ने कथा सुनाई और परिणाम कहा, मुझे देखिए आप लोगों के दर्शन पाकर हमारे पंख नवीन हो गए, ये सूर्य के तेज से भस्म हो गए थे, जल गए। आप लोग रामदूत हो, माता का पता अवश्य लगाओ, परंतु धीरज रखो, मोहि बिलोह की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, धीरज रखो, सावधान। पता वही लगा सकता है जो 100 योजन का सागर लांग सकता है। कौन लांग सकता है? पीयूष कार लिखते हैं, कोई 60 योजन कहता है, कोई 70 कहता है, कोई 50।
75 कहता है, कोई 80 कहता है। और शर्त क्या है? जो नाघई सत जोजन सागर, करई सुराम काज मति आगर। नहीं तो नहीं। अरे गए संपादी, सबके मन में संदेह है। कौन करेगा? निज निज बल सब काहू भाखा, अंतिम चरण है पार जाई कर संशय। जो संशय में है वो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। संशयात्मा विनश्य, संशय में न रहिए। कौनो बतिया के लिए संशय में न रहिए। संशय में रहने वाले जीव का लक्ष्य कभी उसके निकट नहीं आता। संदेह, मानस में सभी संशयों का तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। बोले बाबा गरुड़ जी के प्रति कहते, तब ही हो सब संशय भंगा। अति सहज कथा है। वृद्धावस्था अपने अनुभव और उत्साह से युवानी को ललकार देती है, जागृत कर देती है। अरे क्या बात करते हैं आप, आपके जैसे हम थे तो मारते थे तो ईंटा तीन हाथ आगे जाता था। एक आप हैं, किससे मारते थे? सिर से मारते थे। अरे लक्ष्य प्राप्त करो। लेकिन सावधान, लक्ष्य की ओर बढ़ने के पहले अपनी क्षमता का भी ठीक से आकलन होना चाहिए कि हमारी योग्यता कितनी है। और जब हमको अपनी क्षमता का बोध हो गया, हमारी एक क्षमता है, चल दो लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम। कैसा लक्ष्य आपके निकट आएगा? जामुन जी ने ललकार दिया, उत्साह बढ़ाया। बूढ़ा हो गया मैं, पहले वाला बल्लभ नहीं रहा। प्रभु जब त्रिविक्रम रूप बनाए, बलि को नापे, तब मैं युवान था। स्वरूप का वर्णन नहीं होता है, दर्शन करिए। किष्किंधा 29, बलि बांधत प्रभु बाढ़े हो, सो तन बरने नचा, ओ भय घड़ी महुदे सात प्रद। एक नहीं हो जाए नहीं प्यारे धाय, क्या है धाय बने दौड़ करके हम भगवान की सात प्रदक्षिणा लगाए। एक नहीं हो सात प्रदक्षिणा लगाए। जामंत बाबा कहते उभय घरी है। अब सोचिए कुल 4 घड़ी या 24 घड़ी है, सारा समाज जो आया था मां का पता लगाने में सन्न रह गया हो। थोड़ा अंगद जी को लगा हमको कुछ कहना चाहे, अंगद जी बोले मैं
पहुंच तो जाऊंगा, आने में थोड़ा सा भ्रम है, संशय है, संदेह है, डर है। और किसी भी कार्य की सफलता के लिए भई आ रहे हो लगता है, बेटा दौड़ो। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए एक बात बहुत अनिवार्य है, वह क्या है? हमारे जीवन में कोई भी संदेह न हो, संशय न हो। शीशे को सामने रख करके पहले अपने को विश्वास में हम उतारें। चले अब देखते होंगे कभी कभी चौपैया गाते गाते हम गलत गा जाते हैं, तो ये लोग सब व्यास जी और डॉक्टर साहब ये लोग सब ठीक ठाक करते हैं। तो हमारे शिव भैया भी आ गए हैं, जो ताल मात्रा वाले लोग हैं, उका है हमको गाना वाना तो आता नहीं है, जो गा देता हूँ भूला गया तो भूला गया। बह के तो बाबा जी चले गए, कहाँ गए भगवान नहीं जानते कहाँ चले गए। लेकिन कभी हम नहीं गा पाते हैं, इसका हमको संदेह नहीं रहा। चौपैया ने गाना है, बचपने से गा रहे हैं, कुछ तो गईबे करेंगे। संदेह में नहीं रहता हूँ कि गलत गाऊंगा कि सही गाऊंगा, जो गा दिया सो गा दिया। राम जी की कृपा है, जो गा देते हैं वो आप लोग सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, यही मेरे पर कृपा है। लेकिन भ्रम नहीं रहा, संदेह नहीं रहा। आप भी अपने में और बच्चों में ये बात भरी, संदेह में नहीं रही, विश्वास में रहो, पूर्ण विश्वास में रहो। बच्चों में विश्वास रहा तो धोखा न होगा। जय हो।